मंकी पॉक्स की दहशत के बीच मेरठ में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रविवार देर रात आई जांच रिपोर्ट में एक साथ 19 लोगों में कोविड संक्रमण मिला है। आपको बता दें कि एसपी सिटी विनीत भटनागर भी कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा कारोबारी, शिक्षक, घरेलू महिलाओं में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। 19 में से 10 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद पुलिस वालों की विशेष जाँच कराई जा रही है ताकि कोविड संक्रमण और ना फैले। वहीं रविवार को मिले 19 नए मरीजों के बाद मेरठ में अब कोविड संक्रमित सक्रिय केसों की संख्या 76 तक आ पहुंची है। इसमें 12 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं अन्य 64 होम आइसोलेशन में रहकर इलाज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी सिटी के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जाँच के आदेश स्वास्थ्य विभाग ने दे दिए हैं। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर अखिलेश मोहन के अनुसार जाँचों की संख्या बढ़ाई गई है। जाँचों के अलावा मुख्य फोकस वैक्सीनेशन पर भी है ताकि कोविड से कोई हानि न पहुंच पाए। कोविड के साथ जिले में मच्छरों का आतंक भी फैला हुआ है। आपको बता दें कि रविवार को 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज में इनके सैंपल में डेंगू मिला है। आपको बता दें कि मरीजों को तेज बुखार के साथ सर्दी भी है। डेंगू के मरीजों की भी निगरानी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।